शाही मोहम्मद शमीम, चांदनी खातून अब्दुल मालिक, मारिया खातून मौलाना जकी अहमद। ये 15 महीनों पर ये कुल मुश्तमिल होगा। मैं सबसे पहले इन बच्चों से मैं मुंतमिस हूँ कि आप आए, चूंकि भर्ती पाए हर सीट नंबर लगी हुई है, आप अपने एक सीट लेते जाए सीट नंबर, और आपकी सीट जहां भी है वहां बैठ जाए। सबसे पहले बच्चे आए, जिन बच्चों के हाथ में जो नंबर आ रहा है उस नंबर की सीट लगी हुई है, आप सबसे पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। सीट के मुताबिक आप एक दो बातें समझ लें। ये क्यूज सीरत है सहाबा इकराम के हालात गजवात, इसी तरह जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात पर मुश्तमिल है। इस क्यूज के हर सवाल पर 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी अगर जिस शख्स से सवाल होगा वो अगर अपने सवाल का जवाब बतलाते हैं उसे 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर वो नहीं बतला पाते बल्कि उनके बगल में जो बैठे वो बतलाते हैं तो उन्हें 5 नंबर बोनस के तौर पर दिया जाएगा, जबकि उनका अपना सवाल बाकी होगा। और इन सारे नंबरात मिलाने के बाद जो नंबरात में सबसे ज्यादा होंगे यानी अव्वल दो सोल पोजीशन को इनामात से नवाजे जाएंगे। अब क्यूज का सिलसिला शुरू किया जाता है। सबसे पहला सवाल एक नंबर से होगा। जो भी एक नंबर सीट पर बैठे हुए हैं उससे मेरा सवाल है, मेराज की रात 5वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? आपको 15 सेकंड का वक्त होगा। हजरत जवाब दुरुस्त है, इसे 10 नंबर दे दिए जाए। जामिया के सदर मुदर्रिस का नाम क्या है? जनाब सिकंदर, सदर जनाब मशीरुल हक साहब, नायब सदर जहीर साहब। जामिया के सदर मुदर्रिस का नाम क्या है? सदर मुदर्रिस का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। मस्जिद नबवी कहाँ है? जवाब दुरुस्त है। जामिया का कयाम किस सन हिजरी, किस हिजरी सन में अमल में आया था? सन 1381 हिजरी में। जवाब दुरुस्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? जवाब दुरुस्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? जवाब दुरुस्त है। Yeah.
अगला सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? सोमवार के दिन पैदा हुए। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल सीट नंबर 8 से, नेपाल में अभी कुल कितने जिले हैं? जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल सीट नंबर 9 से, सहाबी किसे कहते हैं? 200 की कामयाबी को देखकर, 200 की कामयाबी और बेहतरी को देखकर जलना सहाबी किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने अपने नबी और रसूल की तरफ जो इल्म और पैगाम भेजता है उसको पास किया जाए। अगले को दिया जाए। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में रसूल से इंतकाल हुआ हो। इसे 5 नंबर बोनस के तौर पर दिया जाए। अब आपका सवाल है, खुलफाए राशिदीन के नाम क्या हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अन्हा नहीं अनू है, जवाब दुरुस्त है। नबुवत के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, मेराज की रात दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। कुरान क्या है? जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद क्या है? कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद क्या है? 77। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद क्या है? पास किया जाए। जवाब दुरुस्त। अगला सवाल, मेराज की रात चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? जवाब दुरुस्त है। सब काम किसके नाम से शुरू करना चाहिए? अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना चाहिए। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, मदरसा हाजा किस अंचल में पड़ता है? साबरमाथा। जवाब दुरुस्त है। जामिया के मौजूदा सदर और नायब सदर का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, रसूल नबी और पैगंबर किसको कहते हैं? इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने जिस नेक बंदे को भेजा उन्हें रसूल नबी और पैगंबर कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आमना था। जवाब दुरुस्त है। हसद किसे कहते हैं? फिर से जवाब को लौटाया जाए। हसद किसे कहते हैं? दूसरों की कामयाबी और बेहतरी को देखकर जलना और उनके ख्वाहिश होने का उनके खत्म होने का ख्वाहिश करना। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, मेराज की रात सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, ईमान क्या है? अल्लाह ताला को दिल से मानना और जबान से इकरार करना और शरीयत के हुक्मों पर अमल करना। जवाब दुरुस्त है। प्रदेश नंबर 2 का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है।
अगला सवाल, मेराज की रात तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? यूसुफ अलैहि सलाम से। जवाब दुरुस्त है। जंगे उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब को देना ले जाए, जंगे उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब दुरुस्त है। नेपाल के बीच में क्या पड़ता है? जवाब दुरुस्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर क्या करते थे? जवाब जोर से दिया जाए, जवाब जोर से दिया जाए। जवाब दुरुस्त है। नेपाल के राष्ट्रीय जानवर का क्या नाम है? जवाब दुरुस्त है। चार मशहूर आसमानी किताबों के नाम क्या हैं? जवाब दुरुस्त है। कुरान ना मानने वाले को क्या कहते हैं? जवाब दुरुस्त है। मस्जिद नबवी की बुनियाद कब पड़ी? जवाब दुरुस्त है। हजरत खदीजा कौन थी? जवाब दुरुस्त है। मेराज की रात पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? हजरत आदम अलैहि सलाम से। जवाब दुरुस्त है। जामिया के नाज़िम तालीमात का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। मक्का कब फतह हुआ? जवाब को लौटाया जाए, मक्का कब फतह हुआ? मक्का कब फतह हुआ? पास किया जाए। रमजानुल मुबारक सन 8 हिजरी में फतह हुआ। जवाब दुरुस्त है। इसे 5 नंबर बोनस के तौर पर दिया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने माह पहले हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 14 माह पहले। जवाब दुरुस्त है। अबू तालिब कौन थे? जवाब दुरुस्त है। कुरान के मानने वाले को क्या कहते हैं? जवाब दुरुस्त। नेपाल के मंत्री का नाम क्या है? जवाब को दोहराया जाए, नेपाल के मंत्री का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। गजवाए तबूक कब पेश आया? 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 पास किया जाए। गजवाए तबूक कब पेश आया? जवाब दुरुस्त है। इसे 5 नंबर बोनस के तौर पर दिया जाए। आपका जामिया किस जिला के किस वार्ड में आता है? 4 नंबर वार्ड सागरमाथा। जवाब दोहराया जाए, आपका जामिया किस जिला के किस वार्ड में आता है? जवाब दुरुस्त है। जामिया के मौजूदा सेक्रेटरी और नायब सेक्रेटरी का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद क्या है?
कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद क्या है? कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद क्या है? पास किया जाए। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद क्या है? जवाब दुरुस्त है। नेपाल के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। गजवा की तारीफ क्या है? जवाब दुरुस्त है। जामिया का नाम जामिया हुसैनिया किस अबकरी शख्सियत की तरफ मंसूब करके रखा गया है? जनाब जवाब दुरुस्त है। ये लफ्ज नौ बड़ों और मतलब है। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने लिया है? जवाब दुरुस्त है। अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब दुरुस्त है। वही किसे कहते हैं? जवाब दुरुस्त है। जामिया का कयाम किस सन में अमल में आया था? जवाब दुरुस्त है। मस्जिद क्या है? मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। जवाब दुरुस्त है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? जवाब दुरुस्त है। हमारे नबी साहब का नाम क्या है? जवाब दुरुस्त है। मेराज की रात छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? मेराज की रात छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? जवाब गलत है, फिर से दोहराया जाए। मेराज की रात छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात की थी? जवाब दुरुस्त है। वो कौन सी किताब है जो दुनिया में हर वक्त पढ़ी जाती है? जवाब दुरुस्त है। अशराए मुबशरा का क्या मतलब है? जवाब दुरुस्त है। गजवाए खैबर कब पेश आया? जवाब दुरुस्त है। जंगे खंदक या अहजाब कब पेश आया? जंगे खंदक या अहजाब कब पेश आया? कुछ याद नहीं, सब कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, सब कुछ याद नहीं। जंगे खंदक या जंगे अहजाब कब पेश आया? पास किया गया। जंगे खंदक या जंगे अहजाब कब पेश आया? जंगे खंदक या अहजाब कब पेश आया? पांच हिजरी को। जवाब दुरुस्त। इसे पांच नंबर बोनस के तौर पर दिया जाए। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस देश में है? जवाब दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद का हुक्म कब मिला? जवाब दुरुस्त है। गज़वा बद्र कब पेश आया और उसमें इस्लामी लश्कर की तादाद क्या थी? जवाब दुरुस्त है। शिर्क किसे कहते हैं? जवाब दुरुस्त है। अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते कितने हैं? चार। जवाब दुरुस्त है। बरज़ख किसे कहते हैं? अमर की जिंदगी को बरज़ख कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। मदीना में जिस जगह मस्जिद तामीर हुई वो जमीन किसकी थी? जवाब दुरुस्त है। गज़वा उहद का पेश आया। जवाब दुरुस्त है। हमें अपनी जिंदगी में बदल करनी चाहिए।
السلام السلام जवाब सुनो नेपाल का सबसे लंबा नदी कौन है जवाब सुनो नेपाल में कुल कितने अंचल हैं जवाब सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई हम तेरे उठा दे बच्चा को ले बैठे रह ले जवाब दुरुस्त है गजल हुनर कब पेश आया सबसे छोटा वाला कौन है गजल हुनर कब पेश आया जवाब गलत है गजल हुनर कब पेश आया पास किया जाए गजवा हुनैन कब पेश आया जवाब दुरुस्त है इसे बोनस के तौर पर 5 नंबर दिए गए हैं कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं जवाब दुरुस्त है गजवा बहुता कब वाक हुआ गजवाए मोटा कब करवाते हुआ पास किया जाए बैठो ना यार थोड़ा सा थोड़ा सा भाई साला छुटका गजवाए मोटा कब करवाते हुआ जवाब गलत है आगे पास तो खुशुक ना यार जवाब आप जवाब दुरुस्त है आप पूरी तरह से इसका खत्म किया जाता है कुछ ही देर में इसका रिजल्ट दिया जाएगा और जो बच्चे सबसे आला नंबर से पास हुए होंगे आला इसी तरह दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाले को शील्ड दिया जाएगा और जो भी तलबा और तलबा इस बीच में शरीक हुए हैं उन तमाम को मेडल से नवाजा जाएगा बस थोड़ी देर में माशाअल्लाह आपके सामने अजीज तलबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया लेकिन हर काम को उसके असल मुकाम तक पहुंचाना बड़ों की जिम्मेदारी होती है आप सब यहाँ इल्मी हजरात भी हैं इल्म दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं तो आपने सवालों में सुना होगा कि एक सवाल ये था कि हर काम किसके नाम से शुरू करना चाहिए तो ये सवाल मेरे हिसाब से मुकम्मल सही नहीं है वो सवाल इस तरह होना चाहिए कि हर अच्छा काम किसके नाम से शुरू होना चाहिए जाहिर सी बात है हर किसी काम को चाहे वो गलत हो या सही अल्लाह के नाम से तो शुरू नहीं कर सकते लिहाजा ये सवाल इस तरह होना चाहिए कि हर अच्छा काम किसके नाम से शुरू होना चाहिए करना चाहिए तो जवाब ये है कि अल्लाह ताला के नाम से क्योंकि जब अल्लाह का नाम ले लिया जाता है तो उसके अंदर जो खामी होती है या जो कमी होती है वो दूर हो जाया करती है लिहाजा आइए अब हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मिदहते नबी में नाते नबी गुनगुनाने के लिए जामिया हुसैनिया मिफ्ताहुल उलूम रमौन के एक तालिबे इल्म जो दर्जा हिफ्ज़ से ताल्लुक रखते हैं दावत देते हैं इस शेर के साथ बेचैनी खत्म कीजिए बेकरारी महफिल में तशरीफ लाइए और जगमगाइए जिनसे मेरी मुराद
हाफिज मोहम्मद रिजवान सल्लम हूं हैं, स्टेज पर आए और नाते कलाम पेश करें।